धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जो बैठे गुरु रूप साहिब संगत जी हो, सब तो पहला आप सरबत संगतान जो कि दो नेड़े तो बड़े श्रद्धा के प्यार के नाल तीन दिन तो सेवा विच सिमरन विच जुड़ के इलाही बाणी का सेवा का आनंद माण रहे हो, सरबत संगतान लख लख वधाई होवे। अज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जुगो जुग अटल साहिब कमाल चबर तख्त के मालक तिना का पहला प्रकाश दिहाड़ा है। इस शुभ अवसर से दास और दास के जत्थे वालों सरबत कीजिए संगतान लख लख वधाई होवे जी, लख लख वधाई होवे। सतसंग अज का बहुत ही साढ़े वास्ते अहम दिन है क्योंकि सिख धर्म के सच्चे पातशाह ने साढ़े ते बड़ा वड्डा उपकार किया कि सारी बाणी नूं संकलन करके गुरु नानक तो लैके गुरु अर्जन देव महाराज जी तक पंज गुरु साहिबान 15 भगत 11 पट ते 4 सिख इन्हां दी बाणी साहिबान ने 30 रागां दे विच ते 31वां राग जिहड़ा जैजावंती राग है ये गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने उच्चारण किया है। और इस बाणी को श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दमदमा साहिब विखे जो बीड संकलन की श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी भी तो उस वक्त इस अंकित किया गुरु तेग बहादुर जी जी की बाणी भाई मनी सिंह जी पासों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखाई सी बाणी। और हैरानी की गल यह है कि गुरु नानक तो लैके गुरु अर्जन देव पंजवें पातशाह तक जितनी बाणी सी उस साहिबान ने बड़ा वड्डा परोपकार किया साढ़े उत्ते कि सारी बाणी को एकत्र करना बड़ा औखा सी सतसंग क्योंकि इस बाणी दे विच कुछ गुरु घर के लोकी जिहड़े सन वह रला पा रहे थे, वह अपनी बाणी इस विच अंकित कर रहे थे जिस तरह पीलू है छज्जू है शाह हुसैन है और इन्हों तो इलावा होर व्यक्ति जिहड़े सन वह चाहते सन कि साड़ी बाणी भी इस विच संकलन हो। लेकिन गुरु अर्जन देव महाराज ने कसवटी ते परखिया सतसंग जो कसवटी ते परख के देखिया कि किस बाणी को इस विच अंकित किया जाए सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वह जगह चुनी है रामस। आप जी अमृतसर श्री हरिमंदर साहब दर्शन कर जाते हो तो शहीदा का गुरुद्वारा साहब है उसके कोल बिल्कुल जिते कि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सरूप जोड़े हैं अज भी अंकित करके दिते जाते हैं उत्थे प्रेस बनी हुई है तो वह बहुत रमणीक जगह है जिते कि एतवार का दीवान बहुत भारी तादाद में जरा भरता है संगत जी दर्शन कर दी ने वह जगह एक रमणीक सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने इसकी चोण की है। सिख धर्म के महान विद्वान जिन्हों की बाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की कुंजी कहा गया है भाई गुरदास जी उन्होंने आप लेखनी लिखनी शुरू की है। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आप लिखनी शुरू की है भट्टां दी ते भगतां दी ते गुरु साहिबां दी बाणी जी है सारी जी सी सच्चे पातशाह ने वह इकट्ठी की है तो सतसंग इस बड़ा समा लगा यह बड़ा वड्डा काम सी इस कसवटी ते परख के इस बाणी को संकलन करना। और हैरानी की गल यह है कि साहिबां ने जिस वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बीड की संकलन कर लिया संपूर्ण किया तो हम उन्होंने सोचा कि इस स्थापित कितने किया जाए वह जगह चुनी है सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने हरिमंदर साहिब जितों के गुरद्वारा प्रबंधक पीजे मलेशिया की कमेटी ने आप सब संगतान ने हरिमंदर साहब का हजूरी रागी जथा अच बुलाया हो दसा तो बाद कीर्तन करेंगे और बड़ी बड़ा वड्डा गल है ये सत संगत साढ़े वास्ते बहुत एक अहम गल है कि उस हरिमंदर साहब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बीड संकलन करके बाबा बुढ़ा जी को पहला ग्रंथी जिहड़ा सिंगत किया सब तो पहले ग्रंथी जिहड़े सन बाबा बुढ़ा जी स्थापित किए सन और ग्रंथियों की परंपरा जिहड़ी सी श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने इस दिन तो प्रारंभ की सी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का संकलन करके तो उस वक्त क्या गया सी पहला वाक ना वो किहड़ा आया जो प्रकाश किया गया ना श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज को तो बाबा बुढ़ा जी को आदेश दिए गए कि पहला वाक लवो तो पहला वाक आया सी उस वक्त साध संगत के संतान की कारज आप खलोया हर काम कराण आया राम तरब सुहावी तार सुहावा विच अमृत जल छाया राम
जल सोया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार भया जग अंत लाखे सगल सूरे पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया सत संगत अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ध्याया। ये पावन वाक जिहड़ा पहला वाक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो प्रकाश किया सी ना उस वक्त आया सी आओ तीन चार मिनटां दे विच एक शब्द दास कायम करदे हन कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु तो बलहार जाइए ना असारे ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे साढ़े तो बाद सचखंड श्री हरिमंदर साहब के हजूरी रागी जथे जो कि आप जी की सेवा कीर्तन रही करोगे आओ दास ये पावन शब्द कायम करके